सिटीज की कोई फेमस बात उस सिटी की पहचान बन जाती है। जैसे कि कायरो सिटी इस्लामिक आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस है और यहाँ पे बहुत से पुराने ट्रेडिशनल टावर्स भी दिखने मिलते हैं, जिस कारण कायरो को सिटी ऑफ 1000 मिनरेट्स भी कहते हैं। आपने बहुत से सिटी में बड़े बिल्डिंग्स या फिर कुछ अनोखी चीजें देखी होंगी, लेकिन क्या आपने सिटी में 2-3 से ज्यादा ब्रिजेस देखे हैं? सोचिए किसी सिटी में सब जगह ब्रिज और ब्रिज ही होंगे तो कितना अलग नजारा दिखेगा। ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट्स में एक सिटी है जिसे सिटी ऑफ ब्रिजेस कहा जाता है। यूएस के पिट्सब्रू सिटी में अगर ब्रिजेस नहीं होते तो ये सिटी एक आइसोलेटेड कम्युनिटी बन जाती। पिट्सब्रू सिटी में रिवर प्लेन्स, वैलीज और हिल्स होने के कारण यहाँ पे ब्रिज बनाए गए हैं और ये ब्रिजेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सिटी में पहले ब्रिज वुडन का बनाया था जो ऑफिशियल ईयर 1880 में ओपन हुआ। उसके बाद इस सिटी ने अपनी बाउंड्री में ब्रिजेस बढ़ाने का डिसीजन लिया। ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन ईयर 1924 से 1940 तक चला था और पिट्सब्रू ने टोटल 446 ब्रिजेस बनाए। उसमें से पिट्सब्रू के सबसे मेजर ब्रिज है जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल द इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिबर्टी ब्रिज। पिट्सब्रू के मेजर ब्रिजेस में से सबसे इम्पोर्टेंट है लिबर्टी ब्रिज। इस लिबर्टी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन ईयर 1928 में पूरा हुआ था। लिबर्टी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन पिट्सब्रू के लिबर्टी हिल के डाउनटाउन एरिया को लिंक करने के लिए बनाया था। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इस ब्रिज पे रोज 60,000 से भी ज्यादा व्हीकल्स चलते हैं। हॉट मेटल ब्रिज। पिट्सब्रू का दूसरा सबसे मेजर ब्रिज है हॉट मेटल ब्रिज, जो 1887 में ओपन हुआ था। इस ब्रिज की लेंथ 1174 फीट है और ये ब्रिज व्हीकल्स के सिवा पैदल चलने के लिए भी है। ये ब्रिज इसीलिए फेमस है क्योंकि इसका नाम पिट्सब्रू यूनिवर्सिटी के फेमस ऑनलाइन मैगजीन के साथ जुड़ा है। ग्लेनवुड ब्रिज। पिट्सब्रू के इम्पोर्टेंट ब्रिजेस में से एक है ग्लेनवुड ब्रिज, जो 2,280 फुट लॉन्ग है। इस सिटी में रिवर्स ज्यादा होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की प्रॉब्लम थी और इसीलिए इस ब्रिज को मोनंगहेला रिवर के अक्रॉस बनाया गया था ताकि इस ब्रिज का इस्तेमाल से ट्रांसपोर्टेशन को कनेक्ट कर सके। इस ब्रिज को फिर से बनाया गया था जब पहले का ब्रिज यूज करना अनसेफ था। पैनहैंडल ब्रिज। सारे ब्रिजेस में से पैनहैंडल ब्रिज पिट्सब्रू सिटी का सबसे फेमस ब्रिज है। इस ब्रिज का नाम पैनहैंडल है क्योंकि पहले इस ब्रिज पे ट्रेन चलती थी और ट्रेन एक टाइम पे काफी सारे टाउन्स को कनेक्ट करती थी, जैसे कि सेंट लुइस और शिकागो जैसे टाउन्स भी पिट्सब्रू को कनेक्ट करते थे। यानी कि एक ब्रिज से काफी सारे टाउन्स पे ट्रैवल करना इजी हो जाता था और इसीलिए इसे पैनहैंडल ब्रिज कहते थे। तो ये थे पिट्सब्रू सिटी को सिटी ऑफ ब्रिज क्यों कहते हैं उसकी जानकारी। पिट्सब्रू सिटी में ब्रिजेस इकोनॉमिकली बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उसके सिवा ये ब्रिजेस व्हीकल्स और लोगों को चलने के लिए भी जरूरी है। और अगर एक ही ब्रिज होता तो ट्रैफिक जाम जैसी काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती और इस सिटी में इतने ब्रिजेस होने के कारण ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस भी बन गया है। तब आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।